किसान सर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय मैं जय नीति आयोग। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग आइसोमेरिज्म का पोजिशनल आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे डिस्कस किए, बहुत ही अच्छे डिस्कस किए थे लोग। आज उससे भी आज ट्रिक से हम लोग देखेंगे लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एक ही को पढ़ाया जाएगा और भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म को पढ़ाएगा। चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी हमारे चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के उसका शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को खोल के देख लें। चलिए ओके थैंक्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म का फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इससे पहले पोजिशनल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड एक सुपर ट्रिक के लिए क्वेश्चन आपको बताया गया है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए तो सुपर है, एग्जाम इसी से आता ही है, ये आपको याद रखना है। सर क्या है, यहाँ लिखिए नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ लिख देना है चेन आइसोमर्स और यहाँ लिख दीजिए पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, तो आपसे कहा जाएगा कि सर नंबर ऑफ कार्बन कितना रिक्वायर्ड है, क्या चीज के लिए, तो अल्केन के लिए। एक चीज आपको बता चुके हैं पहले से, दूसरा सर्दी अल्किन के लिए और तीसरा सर्दी अल्काइन के लिए। नंबर ऑफ कार्बन कितना रिक्वायर्ड होगा, क्या कार्बन एल्केन हो सकता है, सॉरी चेन आइसोमर्स शो करता है या पोजिशनल आइसोमर्स शो करता है। तो सर आपने हमको बताया था यह तीनों पढ़ा चुके हैं पहले आपको चेन आइसोमर्स में, यह तीनों हम लोग अभी पढ़ना है। इन फिर से सर चेन आइसोमर्स क्या कहेंगे लोग, जो पैरेंट चेन में अंतर हो जाए, सर चार कार्बन में चार से कम में नहीं होता, कोई भी नहीं होगा, इससे सोचना ही नहीं है। तो चार कार्बन हो गया सर चेन आइसोमर्स बनाना है, तीनों सीधा ये कर देंगे चेन आइसोमर्स हो जाएगा। इसमें आपको तो दिक्कत हो रही है, प्रीवियस लेक्चर में काफी ऐसा डिस्कस किया लोग, यहाँ सर चार कार्बन में चेन आइसोमर्स हो जाता है। सर एल्कीन के केस में यहाँ डबल वन लगा दी, यहाँ डबल वन, सर एल्कीन में भी चार कार्बन में चेन आइसोमर्स संभव है। लेकिन सर एल्काइन में ट्रिपल वन लगा दिए, यहाँ भी ट्रिपल वन लगा दिए, तो देखिएगा सर यहाँ चेन आइसोमर्स नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, यहाँ पांच को वैलेंसी देगा और किसी भी कार्बन का फाइव वैलेंसी नहीं होता है, तो सभी से फाइव बता रहे हैं कि पहले ही सबको आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं चेन आइसोमर्स में। क्लियर है, यहाँ का देखे लोग चेन आइसोमर्स के लिए इसको कम से कम कितना आइसोमर कार्बन चाहिए, देखिए कम से कम पांच कार्बन होगा तो चेन आइसोमर्स हो सकता है, पांच से कम होगा तो नहीं होगा। तो जो लोग भी अच्छे से देखने जाते हैं प्रीवियस लेकर चेन आइसोमर्स ला जाकर देख लीजिएगा लोग। सर पोजिशनल आज हम लोग को पढ़ना है, देखिए पहले सिंगल वन बना दिए लोग। अब सर आपने बताया था कि पोजिशनल आइसोमर्स तभी कहते हैं उसका पैरेंट चेन सेम होगा, क्लियर है ना। तो सर पीसी में इसका नंबर ऑफ कार्बन सेम ना दिए, यानी कि हमने इसको ऐसे हटा के लिख दिए, वो तो सर ये चेन होगा पोजिशनल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फाइव कार्बन है यहाँ फोर कार्बन है। सर जी एक और कार्बन बढ़ा देते हैं लोग, अब यहाँ सर जी इसका कहलाएगा या दोनों पोजिशन कहलाएगा चेन कहलाएगा, लेकिन सर इसको हटा के यहाँ लिख दिए तो पोजिशन कहलाएगा। क्लियर है, पोजिशन मिथाइल चेंज हो गया ना। सर इसमें देखिए ना वन टू पे मिथाइल है, यहाँ वन और टू पे मिथाइल है। सर यह क्या लोचा है, दोनों तो सेम ही है ना। हाँ जी रियल में दोनों सेम है, यानी कि अभी दोनों चेन आइसोमर्स नहीं कहलाएगा। क्लियर है आपको कि दोनों चेन आइसोमर्स नहीं होता है, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, यहाँ तक सबको समझ जाएगा कि दोनों को चेन आइसोमर्स हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो सर जी पांच कार्बन भी नहीं होगा, तो एक और कार्बन बढ़ा देते हैं लोग। आप सर देखिए तो चेन आइसोमर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं होगा सर, क्यों, क्योंकि इसमें भी देखिए कितने कार्बन है पांच, चल इसमें भी कितना कार्बन है पांच, दोनों में कार्बन का नंबर इक्वल है सर, चेन आइसोमर्स नहीं कहेंगे, क्या पोजिशनल हो सकता है। यहाँ मिथाइल का पोजिशन दो पे है सर, इसको किसी साइड से आप लोग गिन लीजिए, इसका पोजिशन कितना पाएगा थ्री पर ही आएगा। सर इससे तो स्पष्ट हुआ कि इसको हम लोग चेन आइसोमर्स नहीं कह सकते हैं लोग, पोजिशनल आइसोमर्स कह सकते हैं लोग, क्योंकि मिथाइल का पोजिशन चेंज हो गया टू से थ्री पे आ गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब सिंगल बन होगा तो पोजिशनल आइसोमर्स कब करेगा, एक में करता नहीं है, एक में तो चेन में नहीं करेगा, दो में भी नहीं करेगा, तीन में भी नहीं करेगा। सर चार में कर सकता है वो भी नहीं कर सकता है, पांच में कर सकता है वो भी नहीं कर सकता है, छह में कर सकता है, हाँ सर जी छह में कर सकता है। तो अल्केन को पोजिशनल आइसोमर्स शो करने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, सिक्स, यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफी इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा लोग। सर जी एल्कीन के लिए क्या होगा, नहीं है यार डबल बन हो गया, इसका जुड़वा भाई हम यहाँ से बना सकते हैं,
देखिए तो सर इसमें भी चार कार्बन है, इसमें भी चार कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड एक नंबर पे है, यहाँ डबल बॉन्ड दो नंबर पे है, मीन सर ये चार कार्बन है तो पोजिशन सो कर सकता है, यहाँ लीजिए लो चार हो जाएगा। अच्छा एल्काइन यहाँ ट्रिपल और यहाँ ट्रिपल, यानी सर एल्काइन के भी केस में चार से हो सकता है, क्लियर है। यदि आप कैसे अपने हैं कि अल्केन और एल्केन के लिए चेंज ऑस्मोलर चार होता है जबकि एल्काइन के लिए पांच होता है, अल्केन होता है तो पोजिशन के लिए सिक्स होता है और बाकी एल्कीन और एल्काइन में चार होता है, क्लियर है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, सबको अच्छे समझ में आ गया है, ओके फटाफट नोट कर लीजिए लोग। इसके बाद हम लोग फंक्शनल समझ के लाजवाब ट्री के स्टार्ट करेंगे लोग, बस मैंने साथ आप लोग जुड़े लो, देखिए लोग कितना मजे लो, पूरा बेचर मतलब आपको सबसे अलग मिलेगा, इसका पूरा गारंटी है, मैच किसी से आप उनका स्टाइल नहीं करेगा, जरा हट के अपन का कंसेप्ट ही रहता है जरा हट के। तो सर जी अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, फंक्शनल आइसोमर, सर हिंदी क्या होता है बता देते हैं, क्रियाशील समाया होता है, सर फंक्शनल आइसोमर्स कहते किसे है ये बताइए दोस्त, सर जी हम जानते हैं कि इसके पिताजी स्ट्रक्चरल आइसोमर था, सर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपने कह दिया मीन्स इसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होगा, हाँ भाई सिंपल सी बात है, तो उतना तो सभी लिखाएगा ना, क्या सर जी सभी लिखाएगा, तो दैट आइसोमर्स व्हिच हैव बीन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इतना तो सबके लिए आएगा कोई आइसोमर्स हो, इसके साथ ही साथ एक और चीज आएगा एन बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला स्ट्रक्चर आइसोमर्स का जब भी कोई बेटा जी आएगा लो तो इतना तो कंफर्म है कि सबके लिए सेम होगा, छ के लिए इतना लिखाएगा। इसके बाद देखिए सॉरी इंक दे रहते हैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा क्लियर, सर पोजिशन आइसोमर्स हम लोग कब कहे थे लोग, तो फंक्शन का पोजिशन चेंज हो रहा था, सब्स्टिट्यूएंट का पोजिशन चेंज हो रहा था और मिथाइल ग्रुप का पोजिशन चेंज हो रहा था, तो उसको सर हम लोगों ने क्या कहे थे लोग, पोजिशनल आइसोमर्स कहेंगे, ठीक है सर जी। यहाँ क्या होगा तो यार सिंपल सी बात है, यहाँ आपको ट्रिक तो बता ही दिए थे कि यहाँ हम लोग का गर्दन के नीचे सेम होता है, बस गर्दन का उत्तर अलग होता है, अपन और ग्रेस भगवान में जो अलग है उसी को देर फंक्शन समझ कहते हैं ना, ये तो आपको पता है कि अपने और ग्रेस भगवान में जो अंतर होता है उसको फंक्शन समझ मीन्स जी गर्दनों में जो नीचे होता है ना वह सेम होता है दोनों आदमी का, केवल इसके ऊपर होता है, यानी कि उस कंपाउंड का जिसपे वो प्रॉपर्टी डिपेंड करता है वही अलग अलग होना चाहिए, सर जी क्या अलग होना चाहिए बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसके कारण, ड्यू टू चेंजिंग ऑफ फंक्शन ग्रुप, ड्यू टू चेंजिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को चेंज करने से यदि उसका क्या होता है स्ट्रक्चर चेंज होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है तो जो आइसोमर्स होता है उसको ना फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं, क्लियर है हिंदी लिख लिया, उसके बाद आपको एग्जांपल अभी बताएंगे। ऐसा समय होता जिसका अनुसूत समान हो तथा संरचना सूत्र और सूत्र समान होगा, संरचना सूत्र अलग अलग हो,
संरचना सूत्र में अंतर, फंक्शनल ग्रुप के क्रियाशील समूह के क्रियाशील समूह के बदलने के कारणों, होता है फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं। क्लियर है जी? आई होप कि सभी लोग अच्छा सुन रहे होगा। मजा भी आवागे फंक्शनल आइसोमर्स किसे कहते हैं लोग? एग्जाम्पल के साथ समझ थोड़ा समझ लेते हैं लोग, एग्जाम्पल से इसको कैसे याद कीजिएगा। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं लोग इसको। आइए पहले एक एग्जाम्पल छोटा सा देखते हैं लोग। CH3 हो गया, CH2 हो गया, OH ग्रुप हो गया। यहाँ देखिए CH3 हो गया, O हो गया, CH3 हो गया। जो लोग हमसे नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हो उन लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। सर जी OH को हम लोग अल्कोहल कहते हैं लोग, और O के दोनों साइड जब कार्बन जुड़ा होता है तो इसको हम लोग ईथर कहते हैं लोग। सबसे पहले यहाँ सर फंक्शनल ग्रुप बदला यह क्लियर है सर। मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं, इसको पहले देख लेते हैं लोग। नहीं, इसका मोलेकुलर फॉर्मूला सर कितना है? सी, इसका भी एक और एक दो कार्बन, 3, 2, 5 और एक 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यहाँ भी देखिए एक और एक दो कार्बन, C2, 3 और 3, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। सर मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, मीन्स यहाँ एक दूसरे का कहलाएगा फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा। क्लियर है? समझ आ गया है? नोट कीजिएगा बराबर। स्क्रीनशॉट ले लिया जी ये लोग। आइए और हम लोग दो एग्जाम्पल देखते हैं लोग। एग्जाम्पल ये बहुत करेंगे लोग, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आप लोग क्लास में आए तो क्वेश्चन की तो कमी नहीं होने वाला है। इसकी काम है इसलिए इसको अभी नहीं मिटाया गया है। CH2 C11 O RH एक ऐसे एग्जाम्पल दिया, CH3 C11 O CH3। आप लोगों ने सोच किया कमेंट्स करने हैं कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट है, फास्ट कमेंट करना है। तब तक एक और हम एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं। इसका मोलेकुलर फॉर्मूला इक्वल है या अनइक्वल है? सबसे पहले दोनों का फंक्शन की बात करते हैं। जैसे सी डबल ओ एच है जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं लोग, और साथ जब ओ के एक साइड इथर जुड़ जाता है, आपको बताया गया ट्रिक कि सी डबल बंद ओ के एक साइड इथर जुड़ जाते हैं तो इससे जो बनता है उसको क्या कहते हैं लोग? ईस्टर कहते हैं। यदि आपको यह सब याद नहीं है तो मैं ट्रिक देख लीजिए, आपको यह सब क्लियर याद हो जाएगा। यहां से याद है इसको क्या कहते हैं लोग? एल्डिहाइड कहते हैं लोग, और इसको सर हम लोग कीटोन कहते हैं लोग। क्लियर है आपको? यहाँ तक भी आए सर क्लियर होगा? आप देखिए सर यहाँ 1, 2, 3 को कार्बन है, चलिए C3 लिख दीजिए लोग। एच कितने? 3 और 2, 5 और 1, 6 को, और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन लिख दीजिए। सर यहाँ कितने है? 1 और 1, 2 को, तो 2 कार्बन सर 3 कार्बन, 3 और 3, 6 को हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। क्लियर है? दोनों का बराबर है। यहाँ देखिए सर 1, 2, 3 को कार्बन, 3, 2, 5 और 1, 6 को हाइड्रोजन और 1 और 1, 2 को ऑक्सीजन। यहाँ सर जी 1, 2, 3 को कार्बन, तो C3 H, 3 और 3, 6 H है, तो 6 कर दिए लो। 1 और 1, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 कर दिए लो। तो यहाँ सर क्या देख लो कि फंक्शन ग्रुप बदल गया, मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, तो यह क्या कहलाएगा? फंक्शन आइसोमर्स कहलाएगा। यहाँ भी सर देखिए इसका भी फंक्शन ग्रुप बदल गया, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, तो यह भी फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा। अब यहाँ से एक ट्रिक ही बहुत ही लाजवाब ट्रिक लिखने वाले हैं, ठीक है? इसी के तो देखिए इसका जनरल मोलेकुलर फॉर्मूला से पूछा जाता क्या बताइएगा, तो आपको ट्रिक बताया था कि जितना कार्बन है इसको एन लिख देंगे लोग, फिर यहाँ 2 अपने में से लिखते हैं लोग, एन भी लिख देंगे लोग। सर यहाँ कितना कार्बन था इसके लिए आपको शॉर्ट में बता दें, चलिए एक अच्छा सा बता ही देते हैं।
लेकिन आपको बताया था इसके लिए हमने स्पेशल वीडियो बना के रखे हुए जीनोमोलेक्युलर फॉर्मूला और मोलेक्युलर निकालने के लिए जाकर प्लीज उसके लिए नोमेनक्लेचर वाला पीडीएफ अच्छी प्लेलिस्ट बनिएगा, उसमें आपको और मिल जाएगा। तो सर जी यहाँ आपको बता दें जितना कार्बन है उतना लिखिए, ये चौपनर से टू लिखना है, यहाँ जो होगा इसको ले देना है, देख लेना की हाइड्रोजन घट रहा है या बढ़ रहा है। सर जी तीन दूनी छह चाहिए, छह कुछ भी नहीं करना है, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन, यहाँ दिए सी एन हो गया एच, यहाँ टू है तो टू और यहाँ एन है तो एन कर देगा, थ्री के लिए एन माने है। और इसके लिए बहुत ही लाजवाब तो आपको सॉल्व करके बताया है, बहुत ही लाजवाब ट्रिप वहां बताया, जाके उसको देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में खोलिएगा वहां मिल जाएगा आपको। तो सर इसका दोनों का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ सी एन एच टू एन, और ओ इसका सर वही देखिए ना सी एन फिर यहाँ तीन दो छह यानी कि एच टू एन और दो ओ है तो दो ओ करते हैं, तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के लिए यह हो जाएगा। और सर इसका क्या होगा सी एन तीन दूनी या देखो दो है तो दो दूनी चार होते हैं तो टू है, लेकिन सर घट रहे कितना दो, तो दो जोड़ना होगा फिर वो तीन दोनों का यह होता है। तो सर हमने ट्रिक क्या लिखे बोलो कि एल्कोहल हो या इथर हो दोनों का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और दोनों में जो रिलेशन होता है ना फंक्शन वाइज समझ के होता है। दूसरा एल्डिहाइड और कीटोन सर क्या है जिसका भी जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और वो भी एक दूसरे का फंक्शन वाइज समझ होता है। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर हो जाएगा, ऐसे ही और भी ट्रिक है उसको देखा जाएगा, पहले इसको नोट कर लेते हो, नोट किए लो फटाक से उसके बाद उसको लिख रहे हो। हो गया है नेक्स्ट देखते हैं वो सुपर नोट कर दिए सेवन स्टार क्योंकि यह काफी लाजवाब ठीक है। सबसे पहले सर एल्कोहल हो और या फिर ईथर हो, चाहे दोनों को प्लस करके लिखा अच्छा रहेगा, एल्कोहल प्लस ईथर दोनों का जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन प्लस टू ओ होता है और इन दोनों में रिलेशन किसका होता है सर जी फंक्शन वाइज समझ का। क्लियर है सर। दूसरा एल्डिहाइड प्लस कीटोन इन दोनों में जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी एन एच टू एन ओ और इन दोनों में भी रिलेशन क्या होता है फंक्शन वाइज समझ का। सर थर्ड नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ईस्टर इन दोनों का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी एन एच टू एन ओ टू और ये दोनों भी एक दूसरे का फंक्शन वाइज समझ चुका है, ये भी आपका क्लियर है। उसके बाद सर फोर्थ नंबर वन डिग्री टू डिग्री एंड थ्री डिग्री एल्कोहल आएगा ये अभी जस्ट बताएंगे, तो उसको हम लोग सेम फंक्शन रूप मानेंगे लोग। ऐसे आपका जो वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री एल्कोहल आपको मिलता है तो उसका फंक्शन रूप अलग नहीं बनाता है, एक ही फंक्शन रूप बनाता है, लेकिन वन डिग्री टू डिग्री एन थ्री डिग्री एमीन आता है तो उसको डिफरेंट फंक्शन रूप मनाता है। मतलब सर बात क्या हुआ कि जो वन डिग्री नाइट्रोजन है और टू डिग्री नाइट्रोजन है तो इस दोनों में जो रिलेशन आएगा वो फंक्शन आइसोमर्स का होगा, लेकिन वन डिग्री और टू डिग्री एल्कोहल होगा तो उसका जो आइसोमर्स का रिलेशन होगा फंक्शन आइसोमर्स नहीं होगा, चेंज हो सकता है पोजिशन हो सकता है फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है कि नाइट्रोजन का डिग्री चेंज होगा तो फंक्शन आइसोमर्स नहीं होगा, नाइट्रोजन का डिग्री सेम होता है तो चेंज और पोजिशनल हो सकता है। क्लियर है नेक्स्ट देखते हैं लो सिक्स नंबर सर एल्कोहल हो सर एल्कोहल का भी जब आर से ओएच ग्रुप जुड़ा होगा एन फिनॉल हो फिनॉल का भी जब पीएच से ओएच ग्रुप जुड़ा होगा तो इन दोनों का जो रिलेशन होता है उसको फंक्शन वाइज समझ में आता है।
मतलब यहाँ लिख सकते हैं ये भी क्या होता है, टू डिफरेंट फंक्शन ऑफ होते हैं। मतलब याद है नहीं है, गलती कहाँ होता है स्टूडेंट से, यहीं पे गलती होता है, यहाँ भी एच है यहाँ भी एच है, दोनों जगह एच एच सेम है, तो कहता है सर दोनों एल्कोहल है, दोनों एल्कोहल है, तो दोनों का रिलेशन क्या होगा, फंक्शन समर्थ नहीं होगा। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि दोनों में ओएच तो होता है, लेकिन आर सोएच जुड़ता है तो एल्कोहल कहते हैं, लेकिन पीएच सोएच मतलब बेंजीन सोएच जुड़ता है तो उसको फिनॉल कहते हैं। कॉमन नाम आपको बताए थे, तो एल्कोहल और फिनॉल हो तो दोनों में जो रिलेशन होता है ना वह क्या कहलाता है, फंक्शनल समस्या कहलाता है। मतलब अलग अलग फंक्शन ग्रुप बनाता है, सेम फंक्शन ग्रुप नहीं बनाता है। सब पे क्वेश्चन कराएंगे, अभी टेंशन नहीं लें, फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, सब पे एक एक क्वेश्चन कराएंगे। हाँ एक और चीज नंबर पॉइंट लिख लेना जी, कि डबल बंड हो एंड ट्रिपल बंड हो, इसको भी हमें क्या कहेंगे लोग, डिफरेंट फंक्शन ग्रुप बनाएंगे लोग। मतलब डबल और ट्रिपल बंड भी आ गया, ये भी एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स होता है, पोजिशनल आइसोमर्स नहीं होता है, क्लियर है। चलिए लोग नोट कर लिए फटाफट, उसके बाद हम लोग अब एक एक करके क्वेश्चन कर लेते हैं। रटना मना है, सुशांत सर के आना है, क्योंकि मेहनत लगता है पढ़ाने में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरे से भी करें, क्योंकि आप लोग देख लिए होंगे लोग कि आप उनका टेक्निक किसी के साथ मैच न करता है न करेगा, डे बाय डे टेक्निक चेंज करते रहते हैं और बेहतर लाते रहते हैं। टीचिंग स्टाइल इज द लाजवाब, सर जी अपना पढ़ाई खुद कर रहे हैं। नहीं यार, आप लोग मैच करा के देखिए लोग, ठीक है। आई एम नॉ, अब एक एक एग्जाम्पल से सबको हम लोग संतुष्टि कराते हैं। यहाँ वेच ग्रुप जोड़ दिए, यहाँ वेच ग्रुप जोड़ दिए, यहाँ वेच ग्रुप जोड़ दिए और यहाँ वेच ग्रुप जोड़ दिए। ये जैसे पहले पढ़ा था सेम वैसे ही पढ़ेंगे, एक हो गया एंड सेकेंड हो गया एंड थर्ड हो गया या फोर्थ हो गया। ये आपको पहले फर्स्ट ले मतलब पोजिशन वाइज समझ में इस क्वेश्चन में करा चुके हैं, आई होप आपको समझ में आएगा। फिर से एक बार देख लीजिए लोग कि क्या होने को है, ठीक है। यहाँ कर दिए लो वन एंड टू में क्या रिलेशन होगा, वन एंड थर्ड, फिर क्या होगा सर दी वन एंड फोर्थ, उसके बाद वन एंड फाइव, सर जी फोर्थ तक का है टू एंड थ्री, टू एंड फोर और सर जी थ्री एंड फोर, इसमें रिलेशन निकाल देना है। ये नीट का एग्जाम दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ऐसे नहीं देगा कि इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, देख ऐसे पूछा, ठीक है। क्वेश्चन में उठा करके देखिए, तो सर जी यहाँ निकालेंगे तो इसका सर जी पीसी में सबसे पहले लेना है, आइए सबसे पहले एल्कोहल का डिग्री निकाल लेते हैं। सर ये एल्कोहल का डिग्री कैसे निकालते हैं, तो सर ये इसका अपना कोई डिग्री नहीं होता है, इसका डिग्री वही होता है जो इसके पिताजी का होता है। मतलब सर जी जिस कार्बन से जुड़ा होता है ना उस कार्बनवा का जो डिग्री होता है इसका वही डिग्री होता है। मतलब ऐसे याद रहे कि इसका अपना कास्ट कुछ नहीं है, इसके पिताजी जो टाइटल लगाएंगे वो अपना टाइटल लगा लेगा। तो सर यहाँ क्या होगा, ये कार्बन कितना डिग्री है, एक साइड कार्बन जुड़ा है तो वन डिग्री, मींस ये एल्कोहल कितना हो जाएगा वन डिग्री हो जाएगा। या सर कार्बन कितना डिग्री है, वन और दो साइड कार्बन जुड़ा है, जिसको डिग्री निकालना नहीं आता है इसके लिए वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर नोमेनक्लेचर देखिएगा आपको मिल जाएगा। यह कार्बन होगा यह कार्बन होगा, सर दो साइड कार्बन जुड़ा है तो इसको क्या कहेंगे टू डिग्री कार्बन कहेंगे। तो सर जो एल्कोहल है ना ये भी क्या हो जाएगा टू डिग्री ही एल्कोहल हो जाएगा। यहाँ तक भी क्लियर है सबको, सर जी यह ओएच ग्रुप है, इस कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन सर कितना साइड से जुड़े हुए, तीन साइड से, यार तीन साइड से जुड़ा है, एक साइड से, यह तीन साइड जुड़े हुए, तो वन साइड यानी कि वन डिग्री, यानी कि अभी वन डिग्री है उनको। और यह सर जी यह कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा है, थ्री डिग्री कार्बन है, तो एल्कोहल भी कितना हो जाएगा थ्री डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, क्लियर है। सर इसमें पीसी में कार्बन कितना है चार, सर इसमें पीसी में कार्बन कितना है चार ही है, यहाँ वेच ग्रुप एक से जुड़ा हुआ है सर, जबकि यहाँ वेच ग्रुप दो से जुड़ा हुआ है। मीन सर यहाँ हमने निकालो कि नंबर ऑफ पीसी में कार्बन सेम है
OH ग्रुप का पोजीशन बदल जा रहा है, तो सर इसको क्या कहेंगे लोग, पोजिशनल कहेंगे लोग। ये आपको पहले से अच्छे से पढ़ा के रखे हुए है, प्रीवियस लेक्चर में यही सब पढ़ा। देखिए यहाँ क्या है सर, फोर कार्बन है, जब किसका हम लोग किसी दे लेते हैं लोन, तो इसमें कितना कार्बन मिलेगा, थ्री कार्बन मिलेगा। तो सर नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो गया, तो सिंपल सी बात है क्या क्या चलेगा, कार्बन चेन तो आप बनकर चेन लिख देना है, क्लियर है। साइकिल का चेन नहीं, बाइक का भी नहीं, चेन है सुमर। इसका सर पीसी कैसे लेंगे लो, इसका भी ऐसे लेंगे लो, इसमें पीसी में कितने कार्बन होगा, थ्री कार्बन होगा। तो सर जी यहाँ फोर है, यहाँ थ्री है, मीन्स ये भी चेन है सुमर होगा। सर टू और थ्री, यहाँ देखिए ना फोर है, यहाँ थ्री है, यहाँ फोर है, यहाँ थ्री है, टी भी क्या कहलाएगा, सबका सब चेन है सुमर कहलाएगा। यहाँ सर क्या होगा, थ्री कार्बन, थ्री कार्बन चेन नहीं हो सकता सर, यहाँ वन नंबर से जुड़ा हुआ है, यहाँ कहीं से करेंगे दो नंबर से जुड़ा हुआ है, यह क्या कहलाएगा, पोजिशनल कहलाएगा। आई होप कि क्लियर होगा, सबको मजा आया होगा, नोट किया फटाफट। उसके बाद से हम लोग एमीन वाला का भी देखते हैं लोग, सब पे आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है, हो गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं वो नाइट्रोजन वाला, में बिहार उन्हें प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि C3H9N का अधिक से अधिक कितना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसको हम पढ़ाए आपको DOE में, वहाँ स्ट्रक्चर बनाने के सिखाया है, तो जाकर उस लेक्चर को देख लीजिए लो, ताकि आपको काफी मजा आ सके। तो यहाँ दे इसको क्या कहेंगे लो, वन, इसको टू, या रटना मना है, और इसके लिए बस आपको बस एक ही में काम करना है, लाइन बाय लाइन वीडियो को देखते चलना है, मिस नहीं करना है, क्लियर। तो बस यहाँ क्या करेंगे, इसको ही निकालते हैं, अब सर जी हमें क्या करना है, इसमें रिलेशन निकालना है, चार को है, चार को आएगा, ऐसे ही आएगा। तो सर रिलेशन निकालना है नो, तो नाइट्रोजन का जब रिलेशन निकालना होगा, सबसे पहले आपको इसका डिग्री निकाल लेना है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो लोग नाइट्रोजन का सर डिग्री है दीचे नहीं जाएगा नो, तो इसका फंक्शन आइसोमर्स हो जाएगा, मीन्स फंक्शन वो बदल जाएगा, और फंक्शन बदल गया तो फंक्शन आइसोमर्स, क्लियर है। तो सर यह कितना डिग्री है, तो नाइट्रोजन का भी डिग्री निकालने का आपको सिखा देंगे, कि आप उनका यही तो स्टाइल है नो, कि एक टॉपिक एक साथ, कहाँ पढ़ना ये मैंने नहीं रखता, एक टॉपिक एक साथ, क्लियर है। तो सर नाइट्रोजन का डिग्री कैसे निकालेंगे, पहले चलो नाइट्रोजन जितना साइड कार्बन जुड़ा होता है उसका डिग्री वही होता है, तो सर एक साइड कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसका डिग्री कितना देगा, वन डिग्री नाइट्रोजन देगा। सर यह नाइट्रोजन कितना साइड कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी अभी तो एक ही साइड जुड़ा हुआ है, तो यह भी क्या कहलाएगा, वन डिग्री नाइट्रोजन कहलाएगा। यह नाइट्रोजन कितना साइड कार्बन जुड़ा है जी, एक यहाँ है और एक यहाँ है, मीन दो साइड कार्बन है, तो इसको टू डिग्री एन कर देंगे लो, क्लियर है। यह नाइट्रोजन सर कितना साइड कार्बन जुड़ा हुआ है, एक साइड हो गया, दो साइड हो गया, तीन साइड हो गया, और यह जो नाइट्रोजन है तीन साइड कार्बन जुड़ा हुआ है, तो सर इसको क्या कर देंगे लो, थ्री डिग्री नाइट्रोजन कर देंगे लो। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है, सबको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया, किसी को डाउट नहीं है। तो देखिये सर हम लोगों ने क्या सीख लो, कि नाइट्रोजन का डिग्री बदल जाएगा तो फंक्शन है सुमर, डिग्री सेम होगा तो क्या हो सकता है, दो हो सकता है, पोजिशनल नहीं तो चेन। सर पोजिशनल कब होगा, जब पीसी में कार्बन के नंबर सेम होगा, चेन कब होगा, जब पीसी में कार्बन का नंबर बदल देगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ आप लोगों का करना है सर, इसमें कार्बन कितना है, पीसी में थ्री कार्बन है, इसमें सर पीसी में कितने कार्बन है, थ्री कार्बन है, इसमें देखिए एमीन एक नंबर जुड़ा हुआ है, इसमें एमीन दो नंबर जुड़ा हुआ है, सर पोजीशन बदल रहा है, यह क्या कहलाएगा, पोजीशन वाइज समझ कहलाएगा। यहाँ मिस्टेक क्या होता है नो, इसमें निकालेंगे तो पीसी में कितना कार्बन मिलेगा, दो, यहाँ माइंड में आपको याद आएगा सर जिसको क्या काटेंगे लो, पोजिशनल सॉरी चेन आई समझ, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला में थ्री है जबकि यहाँ टू है, यह क्या होना चाहिए, चेन आई समझ होना चाहिए, लेकिन यह गलत होता है, क्योंकि यहाँ वन डिग्री नाइट्रोजन नहीं है, टू डिग्री, और डिग्री चेंज तो बिना कुछ टेंशन के लिख देना फंक्शन आई समझ।
आई होप कि सबको अच्छा सुनिए, क्लियर होगा। सर जी देखिए, वन एंड थर्ड में क्या होगा, यह एक डिग्री है या थ्री डिग्री है, डिग्री चेंज तो फंक्शन है समझ। सर टू एंड थ्री क्या होगा, वन डिग्री टू डिग्री, यह भी फंक्शन है समझ। उसके बाद सर वन डिग्री और थ्री डिग्री, ये भी क्या होगा, ये भी फंक्शन है समझ। और सर जी यहाँ टू डिग्री और यहाँ थ्री डिग्री, ये भी फंक्शन है समझ हो जाएगा। क्लियर है नो, सबको अच्छा समझ में आएगा, मजा तो ही रहा होगा, क्योंकि रटने का आपको कहीं बुला ही नहीं गया, रटना ही मना है। तो नोट कीजिएगा प्रयापात, उसके बाद इसके लोगों के लिए एक होमवर्क दे देते हैं, इस होमवर्क को बना करके रखिएगा लोग। सर होमवर्क क्या है, C4H11N9 का जितना डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है ऐसे बनाना है, और फिर उन सब में जो रिलेशन आएगा उसको लिख करके दिखा देना है। होमवर्क सेंड कर देना है किस नंबर पे सर जी, इस नंबर पे 9995821 बाई ईमानदारी नंबर पे सेंड जरूर आपको होमवर्क कर देना है। क्लियर है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब बस और दो एग्जाम्पल देखेंगे तो फंक्शन आई समझ कम्प्लीट हो जाएगा। आइए उसको देखते हैं जी, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है जी, उसको तो नहीं मिल रहा था, चलिए मिल गया तो कोई बात नहीं। क्या CH2 हो गया, OH हो गया, O हो गया, CH3 हो गया, OH CH3, और फिर यहाँ क्या हो गया सर जी, OH हो गया, CH3 हो गया। क्लियर है, इसमें फिर क्या करना, वही क्या वन एंड टू में रिलेशन क्या होगा, वन एंड थर्ड में रिलेशन क्या होगा, वन एंड फोर्थ में रिलेशन क्या होगा, टू एंड थर्ड, टू एंड फोर एंड थ्री एंड फोर, इतना हम लोग देखना है दी। और आपको सर क्या बताया था आपने कि एल्कोहल और फिनॉल जो होता है वो दोनों डिफरेंट फंक्शन को उसको मानते हैं लोग। तो सबसे पहले इसे चेक करना है कि जो एज ग्रुप दिखाई दे रहा है क्या यह एल्कोहल ही है कि यह फिनॉल भी है, सियरा वही है कि कलर कर दिया है, इसको सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या यह मतलब की जो होता है सियरा चेंज नहीं हो गया, नहीं चेंज हुआ तो जंगल का राजा हो जाएगा। तो सर जी देखिए यहाँ में सर हमको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों से कार्बन जुड़ा है तो इसको इथर कर देंगे लोग। डाउट सबको कहा होगा कि यह OH किससे जुड़ा हुआ है, सर जी सी से, कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको अल्कोहल कहेंगे लोग। लेकिन सर यह OH किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली बेंजीन रूप से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग फिनॉल कहेंगे लोग। सर जी यह भी OH ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, ये भी डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो इसको भी हम लोग फिनॉल कहेंगे। क्लियर है, देखिए वन एल्कोहल है, दो नंबर इथर है, तो सर एल्कोहल है इथर को मैं फंक्शनल आइसोमर्स करते हैं लोग, ये भी क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है सर जी, पहला इसको ऐसे लिख लीजिएगा वन टू थ्री फोर। सर जी पहला एल्कोहल है, दूसरा फिनॉल है, सर ये भी लिख दीजिए ना फंक्शनल आइसोमर्स। ओके सर जी वन एल्कोहल है और थ्री फिनॉल है, सर ये भी क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर्स होगा। टू इथर है और यह फिनॉल है, सर इसको क्या कहेंगे, फंक्शन तो बदल ही गया है नो, तो फंक्शन आइसोमर्स होगा। टू और एन फोर सर क्या होगा, यहाँ भी फंक्शन को बदल जाएगा, फंक्शन आइसोमर्स होगा। सर जी फिनॉल है, फिनॉल है मीन्स यह फंक्शन नहीं हो सकता है, कुछ भी और हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता है। क्लियर है, तो सर यह हो कह सकता है कि यहाँ OH से एक दो पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ वन टू थ्री फोर पे मिथाइल ग्रुप है, मीन्स क्या किया गया, मिथाइल का पोजीशन चेंज कर दिया गया, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, पोजिशनल आइसोमर। क्लियर है सबको, मजा तो आ रहा है, कल आप लोग का स्ट्रक्चरल आइसोमियम कंप्लीट कर देगा, मतलब बचा कौन है, मेटामर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, टॉटोमर्स, टॉटोमर्स की कहानी कुछ और है, उसको बाद में देखा जाएगा, जो कल हम लोग पढ़ा देगा मेटामर्स और रिंग चेन आइसोमर्स, उसके बाद इससे भी लाजवाब मिलेगा, कन्फर्मेशन लाइसोमर्स कुछ नहीं, लाजवाब क्या, लाजवाबों में लाजवाब है, इसको हो गया।
तीन सौ ले लिया। एक और लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद सुनो आज की। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम। हो गया है? सर अब क्या है? यहाँ एक हो गया, यहां से इसे ले ले, ठीक है। ऐसे हो गए, क्लियर है दीदी? तो सर यह क्या हो गया? एक हो गया। यह क्या हो गया? दो हो गया। सर यह क्या हो गया? तीन हो गया। और यह क्या हो गया? चार हो गया। मतलब ऐसे कर लिया लो। तो सर जी वन और टू में क्या रिलेशन होने को है? तो सर आपने बताया है कि डबल ई एन ई हो और वाई एन ई हो, मतलब डबल वन और ट्रिपल वन हो तो फंक्शनलाइज समझ कहेंगे, या डबल डबल को थोड़ी तो फंक्शनलाइज समझ करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है, सही बात है, ऐसा नहीं होता है। प्रोसेस चेंज इसलिए करते हैं कि मजा आते रहे यार, आप उन भी बोरिंग फील करेंगे, आप लोग भी करेंगे, आप उन तो हंसा तो भी है जब आप लोग के साथ होते हैं। क्लियर है? चलिए ई एन ई और वाई एन ई के हम लोग फंक्शन वाइज समझ करते हैं लोग, ई एन ई को फंक्शन वाइज समझ अकेला नहीं करते हैं लोग। तो सर जी यहाँ जो डबल वन आपको बताए थे कि जब डबल वन लगातार होता है तो कम्युलेटिव एल्किन, जब अल्टरनेट होता है तो कंजुगेटिव एल्किन। मतलब सर यहाँ से क्लियर है कि डबल वन लगातार है तो कम्युलेटिव हो गया। सर यहाँ डबल वन एक के बाद हो गया तो आइसोलेटेड कंजुगेटेड हो गया। सर आपको नहीं पता है कंजुगेटेड कम्युलेटेड आइसोलेटेड का, यहाँ डबल वन एक दो पोजिशन पे है, यहाँ वन और थ्री पोजिशन पे है, पोजिशन चेंज कर गया। तो सर जी पोजिशनल आइसोमर्स लिख दीजिए, मीन्स यह क्या हो गया जी? पोजिशनल आइसोमर। क्लियर है? सर जी वन एंड थ्री में क्या होगा? अरे भाई यहाँ डबल वन है, यहाँ ट्रिपल वन है, क्या है ये परेशान है? आठ बंद कीजिए लो, फंक्शनल आइसोमर्स लिख दीजिए लो। क्लियर है? सर जी वन एंड फोर क्या होगा? फिर डबल है, फिर ट्रिपल है। सर जी फिर से यही हो जाएगा। यहाँ टू एंड थ्री क्या होगा? वो डबल है, ट्रिपल है। वाह क्या बात है, क्लियर है? सर जी टू एंड फोर डबल ट्रिपल तो भी आज है फंक्शनल। सर जी थ्री और फोर यहाँ भी ट्रिपल है, वहां भी ट्रिपल। सर जी फंक्शनल समझ तो नहीं होने का है, क्यों? क्योंकि वाई ये नहीं है, मतलब एक ही है, तो यहाँ फंक्शनल समर्थ नहीं होगा। रोने की आवश्यकता नहीं है, रापुर है आपके साथ। नहीं यहाँ ट्रिपल कहाँ है? वन पे है सर जी। यहाँ कहाँ है? टू पे है, मतलब वन से टू पे चला गया, पोजीशन चेंज कर गया तो पोजीशनल हो जाएगा। आई होप कि आपको सभी एक एक टॉपिक फंक्शन का समझ का जितना भी सर सबको एक एक करके क्लियर कर दिए हैं। शायद आपको कहीं भी इसमें डाउट नहीं होगा, पूरा अपने दोस्तों को पूरा फुल कोशिश किए कि आपका डाउट क्लियर कराया जा सके। यदि फिर भी आपको कहीं डाउट हो जाए तो कमेंट से जरूर करें, और क्वेश्चन वाला पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर ले और वहां से क्वेश्चन को बनाया किया करें, ठीक है? ओके टेंशन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मेटामर्स एंड रिंग चेन आइसोमर्स के साथ में। आपको बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि यार अपने भी देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए, मतलब शेयर भी करते रहिए। आप उनके लिए कम से कम इतना तो अपलोड कर सकते हैं लोग। ओके थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने आइसोमेरिज्म के साथ। बहुत मजा आएगा, टेंशन नहीं रहेगा।